अंदर क्रिकेट के महारथी बैठे हुए हैं, इनको और कहीं ना कहीं इनके मन में आया होगा कि हम जाकर के क्रिकेट खेलेंगे, और बहुत पहले से तैयारी कर ली। हमारे जमाने में ये था कि माँ बाबू जी कहते थे ग्रेजुएट हो जाओ, तो मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया था, उसके बाद ग्रेजुएशन किया 3-4 साल यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसके बाद जब नौकरी ढूंढने गए तो कहीं मिले नहीं, और एक तरह से बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन रहती थी, क्या करें ग्रेजुएशन हो गया कहाँ नौकरी मिलेगी। तो हम लोग साथी गण सब बैठ करके यहीं दिल्ली के कॉफी हाउस में बैठ करके कोसते थे, यार ग्रेजुएशन हो गया कहीं नौकरी नहीं मिल रही क्या किया जाए। एक दिन एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा यार ऐसा है, गलती हमारी नहीं है, गलती हमारे माता पिता की है, और गलती यह है कि उन्होंने हमें पैदा क्यों किया यार, दिस इज द प्रॉब्लम, पैदा किया इस वजह से आज हम लोग। मुझे लगा कि ये बहुत सही बात बोल रहा है, और जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार बाबूजी के सामने मैं गया, कभी भी उनके सामने मैंने ऊंचे स्वर में बात नहीं की, मैंने कहा आज मुझे पता चल गया है कि वजह क्या है इन सब बातों की, आपने मुझे पैदा क्यों किया था। बाबूजी शांत रहे, कुछ बोले नहीं, और हम विलिंगडन क्रेसेंट में, जो कि अब उसका नाम शायद बदल गया है, मदर टेरेसा क्रेसेंट हो गया है, 3 मूर्ति के बगल में मकान था, वहां वो सुबह सुबह 4 बजे घूमने जाया करते थे, पीछे डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, अब तो बहुत सारी एम्बेसीज बन गई, वहां पर पहले जंगल बियाबान होता था वहां, और वो 4 बजे उठ करके वो जब जाने लगे तो वो मुझे उठाते थे पढ़ने के लिए, तो एक कागज छोड़ गए बिस्तर पर, और मैं जब उठा तो मैंने देखा कि उन्होंने एक छोटी सी कविता लिख करके, जो रात को मैंने उनसे कहा था उसके उत्तर में उन्होंने ये कविता लिखी। उन्होंने लिखा कि ये कविता है कि जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सवाल कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था। और मेरे पास इसके सवाल कोई जवाब नहीं कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था, और मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें, और उनके बाबा को बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा, कल भी होगी, शायद और ज्यादा, तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछकर उनको पैदा करना।